प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से पत्रकारों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। प्रेस क्लब की ओर से जरूरतमंद पत्रकारों को सूखा राहत सामग्रियां दी गईं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदू सिंह ने जरूरतमंद पत्रकारों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण करने के दरमियान कहा कि जरूरतमंद पत्रकार ज्यादातर पत्रकार मध्यवर्गीय और बीपीएल परिवार से हैं, जो कोरोना जैसी महामारी में अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को जोखिम में डालकर खबर करने जाते हैं ताकि सही खबर जनता तक पहुंच सके, किंतु वैसे पत्रकारों की जरूरतों को कोई नहीं देखता है। पत्रकार के नाम पर भले ही जनता में पत्रकारों को सम्मान मिल जाता है, किंतु पत्रकारों की मदद के लिए समाज कदम आगे नहीं उठाता है। इसीलिए प्रेस क्लब ने कुछ सामाजिक लोगों के साथ मिलकर पूर्णिया में पहली बार जरूरतमंद पत्रकारों को थोड़ी राहत पहुँचाने की कोशिश की है। नंदू सिंह ने कहा कि प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से आगे भी इस तरह का कदम उठाया जाएगा। प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से अभी जो वर्तमान में ग्लोबल स्तर पे जिसका असर भारत सहित हमारे पूर्णिया जिला में भी है, कोरोना वायरस नामक महामारी का, उसको लेकर पत्रकार मित्रों के लिए पत्रकार भाइयों का एक सहयोग है। दरअसल अभी लॉकडाउन की स्थिति है और सरकार के अलावे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, पुलिस इत्यादि के अलावे हमारे पत्रकार भाई भी इस कोरोना महामारी के बीच में अस्पताल से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ में जाते आते हैं और अपनी कार्य क्षमता को एक ऊर्जा दे रहे हैं। और जैसा काम डॉक्टर कर रहे हैं, जो काम पुलिस प्रशासन कर रही है, अक्षरशः उतना ही काम हमारे मीडिया के भाई भी कर रहे हैं। और मीडिया के भाई भी उस खतरे से महफूज नहीं है, उनको भी खतरा हो सकता है। इस अवस्था में लॉकडाउन की स्थिति तो है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जिनको खाने का दिक्कत है, मिडिल परिवार से। हाँ, जो मिडिल परिवार हैं, जो बहुत सारे जो हैं, उसके लिए न सरकार आगे आई न कोई संस्था आगे आया। इसलिए पूर्णिया प्रेस क्लब के सभी साथियों ने, सारे भाइयों ने, जिनको लेना है उनको भी या जिनको नहीं लेना है उनको भी, उन लोगों ने मिलकर सारे लोगों ने तय किया कि हम लोग अपने प्रेस भाई, प्रेस मीडिया के जितने भाई हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिनको सामानों का किल्लत है, जिनके यहाँ खाने में परेशानी है, बीवी है, बाल है, बच्चे हैं, उनके लिए एक 25 दिनों का खाना कम से कम उपलब्ध करवाया जाए। इसलिए प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से 25 दिनों का खाना का व्यवस्था किया गया है, जिसके लिए कि सब लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग आएँ और अपने अपने घर के लिए ले जाएँ। अगर आगे भी लॉकडाउन की स्थिति बढ़ी और लोगों को घर में रहना पड़ा और मीडिया कर्मियों को, हमारे भाइयों को उसी तरह फिर आगे काम करने की जरूरत पड़ती रही, तो उस अवस्था में पुनः फिर जब तक यह अवस्था चलेगा तब तक प्रेस क्लब पूर्णिया इसको उपलब्ध करवाएगा और मुहैया करवाएगा। सर, ये तो प्लस प्रेस क्लब हमारा पूर्णिया में बन गया है, तो ये पहली मरतबा इस तरह का पत्रकारों की स्थिति पर ध्यान दिया गया है जी। लेकिन समाज में जो संस्थाएं हैं और भी कई तरह से काम किया जाता है, तो गरीब लोगों पे ध्यान दिया जाता है, कुछ और लोगों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पत्रकार लोग जो संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी मिडिल परिवार से है, उनके अंदर में भी दुख दर्द हो सकता है। तो वैसे लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे जी? वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि स्वतः उन लोगों के मन में ऐसा आया नहीं कि चूँकि पत्रकार की आवश्यकता सबको है, कहने को हम लोग चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन इसकी महत्ता देते हैं लोग, लेकिन जब ऐसा समय आता है तो इसकी महत्ता को नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ यूज करते हैं। हाँ, यूज करते हैं, जो ठीक नहीं है। एक IAS हो, एक IPS हो, एक होटल वाला हो, एक मोटर वाला हो, एक थिएटर वाला हो, एक सांसद हो, मुखिया हो, सबको पत्रकार की आवश्यकता है। किसी को ऊंचाई पर जाने के लिए, किसी की भ्रष्टाचार को आगे करने के लिए बिना मीडिया के कुछ नहीं चल सकता है, लेकिन नज़रअंदाज सब लोग करते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि जब हम प्रेस क्लब पूर्णिया के कुछ साथी कुछ लोगों से बात किए कि हम लोग अपने तरफ से चंदा करके कुछ कर रहे हैं, अगर आप लोगों को सहयोग देना हो तो आप लोग सहयोग प्रेस क्लब पूर्णिया को करें, जिससे हम लोग अपने प्रेस के साथियों को मदद कर सकें, तो कुछ लोग उसमें आए हैं।